Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MAH, M.Tech, M.Arch, CET के Provisional Merit List के बारे में. जी हाँ गाइस, महाराष्ट्र M.Tech और महाराष्ट्र M.Arch की जो CET के Provisional Merit List है वो रिलीज हो चुकी है. किस तरह से चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस MAH, M.Tech या MR का कोई नया अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं मेरिट लिस्ट चेक करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को. तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दी, सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा. अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर तो एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर कर देना होगा. देन आपको गाइस यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है डायरेक्टली, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा. अब गाइस जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्लिक करते गाइस आप लोगों के सामने आपकी जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट है वो मीन्स जो है रिलीज हो चुकी है, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी. वहां से आप आसानी से बिना किसी परेशानी के आसानी से अपना मेरिट लिस्ट जो है चेक कर पाएंगे. जस्ट इन केस अगर मेरिट लिस्ट चेक करने में फिर भी कोई परेशानी होती है और कोई भी दिक्कत होती है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है. वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. उसी के साथ गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स.